सो हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग ऑफर के बताऊंगा, जिस ऑफर के तहत आपको फ्लैट 100 रुपीज कैशबैक मिलेगा। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुने हो, फ्लैट 100 रुपीज कैशबैक मिलेगा। तो कैसे ऑफर को क्लेम करना है, कैसे आप लोगों को ये ऑफर को कंप्लीट करना है, सारी चीज इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहे। तो चलिए गाइस, बिना इनका शुरू कर लेते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, ऑफर को लूटने के लिए सबसे पहले मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो है कि आपको एक लिंक मिलेगा, तो उसे लिंक पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इधर सबसे पहले जो है कि यूपीआई आईडी डालने के लिए बोलेगा, तो सही से यूपीआई आईडी डाल देना, क्योंकि उसी यूपीआई आईडी पर जो है कि 100 रुपीज कैशबैक मिलेगा। देन आपको फुल नेम डालने के लिए बोल रहे हैं, तो आपका जो रियल नेम है आप सही से ही जो है कि फुल नेम आप डाल देना, ठीक है, जो रियल नेम है। इसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पर आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर थ्रू आपको कोशिक्स बोल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आपको जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के सामने जो है कि एप्लीकेशन का होम पेज देखने को मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देन आपको सबसे पहले जो है कि मोबाइल नंबर डालना है, देन मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी वेरीफाई कर लेना। इसके बाद आपको मेल आईडी डालने के लिए बोलेगा, तो मेल आईडी आप सही सही देना, क्योंकि मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। देन आप सबमिट कर देना। इसके बाद आपको पासकोड सेट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपने मतलब 4 डिजिट 6 डिजिट जो भी पासकोड है आप सेट कर लेना। जैसे आप पासकोड सेट करेंगे, देन एप्लीकेशन का होम पेज आप लोगों के सामने इस प्रकार में दिखाई देगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको जो है कि पैन डिटेल्स फिल करके केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो लोगो आप देख सकते हो, मैन वाला लोगो, तो उधर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे, सबसे पहले इधर आपको 5 स्टेप दिया गया है, तो आप इनमें से 4 स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है कि इधर केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा, तब जाकर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और जो पैसा इधर डिपॉजिट करेंगे 48 आवर्स बाद, या तो कैशबैक आपको 100 रुपीज मिलने के बाद उसी बैलेंस को अपने विद्रो भी लगा सकते हो अपने बैंक पे। तो देखिए, आपका सबसे पहले स्टेप होगा कि CKYC वाला। तो CKYC पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देन आपको इधर पैन डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा, नेम फिल करने के बोलेगा, इसके बाद आपको जो है कि डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बोलेगा, तो आप सारी चीज फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको इधर आपको और एक ऑप्शन रहेगा कि पॉलिटिकली एक्सपोज, तो उसी ऑप्शन पे नो लगा देना, ठीक है, नो पॉलिटिकली एक्सपोज। इसके बाद आपको जो है कि अपने टैक्स रेसिडेंसी इंडियन हो, तो रेसिडेंस इंडियन आप चूज कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज चूज करने के बाद आप इधर सेव कर देना, ठीक है। सेव करते ही आपको जो है कि फास्ट स्टेप मतलब CKYC स्टेप आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप यानी बेसिक डिटेल्स फिल करने को मिलेगा। बेसिक डिटेल्स पे बेसिकली आपको फुल नेम, जेंडर, इसके बाद मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम। मंथली इनकम पे आप 0 to 20,000 रखना, ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड रखना, मैरिटल स्टेटस मैरिड सिंगल जो भी आप चूज कर लेना, इसके बाद मेल फीमेल आप चूज कर लेना। देन आपको सेव पर क्लिक करके जो है कि सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट कर लेना है। देन आपको इधर एड्रेस डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा, तो आपको जस्ट एड्रेस पर क्लिक करके जो है कि अपने पिन कोड डालना, इसके बाद आधार कार्ड का पीछे साइड में देखना कि सारी एड्रेस दिखाई देता है, तो सारी एड्रेस फिल करके आप एड्रेस डिटेल्स को भी कंप्लीट कर लेना। आपको 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे आपको बैंक डिटेल्स फिल करने के बोलेगा, तो आप अपने बैंक डिटेल्स इधर फिल करना, कोई भी बैंक डिटेल्स आप इधर फिल कर सकते हो, लेकिन जिस आदमी का पैन डिटेल्स अपने फिल किए हो उसी आदमी का नाम पे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब पैन कार्ड नेम जिस आदमी का नाम पे फिल करोगे उसी बंदा का नाम पे ही बैंक डिटेल्स आपको फिल करना है, ठीक है। और जो बैंक डिटेल्स आप इधर फिल करोगी, डिपॉजिट करने का टाइम पे भी आपको उसी बैंक से ही पैसा कटाना है, ठीक है। तो आप लोग बैंक डिटेल्स भी फिल कर देना, आपको 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। 4 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है कि 101 रुपीज से 102 रुपीज जो है कि डिपॉजिट करना है। अब देखो गाइस, डिपॉजिट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये जो आप देख सकते हो सेव गोल्ड बोल के एक ऑप्शन है, तो सेव गोल्ड पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आप देखो बाय नाउ वाला ऑप्शन है, तो बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद इधर आप देखना कि MMTC बोल के है और सेव गोल्ड बोल के है, तो आपको सेव गोल्ड पर क्लिक करना है। सेव गोल्ड पर क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट जगह पे 101 रुपीज या तो 102 रुपीज, ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने 101 या 102 डालना, ठीक है, अलग अलग डालना, 101 रुपीज 102 रुपीज 103 रुपीज ऐसा कुछ डालना, ठीक है। देन आपको नीचे इन्वेस्ट दिखाई देगा, इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देना। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देखना कि स्वाइप राइट टू इन्वेस्ट बोल का ऑप्शन, तो स्वाइप राइट टू इन्वेस्ट वाला ऑप्शन मतलब स्वाइप करना है, जो राइट साइड में आपको स्वाइप करना है। जैसे आप स्वाइप करेंगे, देन आप लोगों को सामने पेमेंट मेथड पेज देखने को मिल जाएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अदर्स, मतलब आप लोगों के सामने काफी सारे जो है कि मेथड पेज देखने को मिल जाएगा।
तो आप लोगों को करना क्या है, इधर से आप मतलब आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बैंक डिटेल्स अपने कोशिक्स एप्लीकेशन के अंदर दिए हो, फिल किए हो, उसी बैंक से ही पैसा आपको पे करना है, ठीक है, तब जाके सक्सेस होगा, नहीं तो फेल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही गाइस आप देख सकते हो, मैं 101 रुपीस इधर जो है कि पे किया हूं और पेमेंट सक्सेस बता रहे हैं, एंड एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता रहे हैं। इतनी सी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आपको जो है कि एक फॉर्म को फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने के लिए जो है कि मेरा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो आप उसी फॉर्म पे क्लिक कर देना। फॉर्म ओपन करने के बाद आपको इधर सबसे पहले चैनल नेम डालने के लिए बोलेगा, तो चैनल नेम पे मेरा चैनल नेम जो है कि क्रिएटिव साकिब इधर आपको फिल करना है, ठीक है। तो चैनल नेम पे आपको क्रिएटिव साकिब डालना है। इसके बाद तो कोशिक्स रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कोशिक्स आप किस नंबर से ओपन किए हो वो नंबर आप फिल करना। देन आपको रजिस्टर नेम मतलब कोशिक्स आप किस बंदा का नाम पे ओपन किए हो उसी बंदा का नाम लिखना। इसके बाद आपको यूपीआई आईडी फॉर पेमेंट, तो यूपीआई आईडी पे आपको एक अच्छा वाला यूपीआई आईडी देना है, उसी यूपीआई आईडी पे जो है कि आपको 100 रुपीज कैशबैक मिलेगा। देन इसके बाद आपको जो है कि अपलोड गोल्ड बाय डिपॉजिट स्क्रीनशॉट, मतलब आपने जो 101 रुपीज 102 रुपीज अपने जो डिपॉजिट किया हो अभी उसी का एक स्क्रीनशॉट अपलोड करना है इधर। तो गोल्ड जो डिपॉजिट किया हो उसी स्क्रीनशॉट अपलोड करने के लिए आप अपने एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो ऑप्शन, तो ट्रांजेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे देन आपको इधर डिपॉजिट दिखाई देगा, तो मतलब इन्वेस्ट किया हो आप दिखाई देगा, तो 101 रुपीज 102 रुपीज जो भी है आप इन्वेस्ट पे क्लिक कर देना। इन्वेस्टमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपको इधर सेव गोल्ड दिखाई देगा, तो तीर का निशान पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपने जो 101 रुपीज डिपॉजिट किया हो उसी का एक जो है कि हिस्ट्री जो है आप लोगों सामने ओपन हो जाएगा। इसी का एक स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फॉर्म पे फिर से वापस जाना। फॉर्म पे जाने के बाद उधर देखना कि ऐड फाइल बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है, ऐड फाइल पे या ऐड अपलोड जो भी है ऑप्शन, तो ऐड फाइल पे आपको क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद उसी स्क्रीनशॉट को आपको जो है कि अपलोड करना है। अपलोड करके सारी चीज और एक बार देख लेना अच्छा तरीके से, देखने के बाद आप सबमिट कर देना इसी फॉर्म को। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है 48 आवर्स, तो 48 आवर्स के अंदर आपका यूपीआई आईडी पे 100 रुपीज कैशबैक मिल जाएगा। तो यही तो ऑफर और कुछ नहीं है। और हाँ, 100 रुपीज कैशबैक मिलने के बाद आप गोल्ड को सेल करके अपने बैंक अकाउंट पे फिर से पैसा ले लेना।